नेकी की राहों पे तू चल। माले के पहाड़ों की सरसब्ज बेहद दिलकश खूबसूरती की लहर पूरे वादी कश्मीर में छाई हुई है। इन पहाड़ों में तकरीबन 314 गांव दूर दराज इलाकों में बसे हुए हैं। इन सब गांवों की तरक्की के लिए एक खुद मुख्तार इंस्टीट्यूशन कायम किए गए। ये इंस्टीट्यूशंस हम पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। हर एक शहरी का हक बनता है कि वो अपना पसंदीदा रहनुमा चुन सके जो उनके लिए मुस्तकिल मिजाजी साबित हो। अब अपने कीमती वोट के जरिए हर एक शहरी अपना पंच या सरपंच चुन सकता है। 2018 में हुए पंचायत इलेक्शंस के बाद वादी में काफ़ी बदलाव नज़र आए हैं, जिसमें काफ़ी बुनियादी तैमीरियत हुए और नए नए स्कीमें लॉन्च हुई। हुकूमत ने अब 12,153 पंचायत सीटें और 234 शहरी लोकल वार्ड्स के लिए इलेक्शन का ऐलान किया है। डीडीसी कश्मीर में हुकुमरान का एक नया यूनिट बनाने के लिए तैयार है। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को कैम मुकालिक करेगा। डीडीसी में ज़िला का एक मुताखिब नुमाइंदा और बाकी मेंबर्स जिसमें एमएलए चेयरपर्सन शुमार होंगे। ये नुमाइंदा वोट के जरिए चुना जाएगा। ऐसे खास 14 नुमाइंदों को चुनने का हुकूमत ने ऐलान किया है। पंचायती इलेक्शंस और डीडीसी इलेक्शंस का आगाज एक साथ जल्द ही होने वाला है। मुंतखिब 14 नुमाइंदों की आपसी सहमति से एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन चुना जाएगा और इस डीडीसी का किरदार 5 साल के लिए वाजेह होगा। डीडीसी का बुनियादी मकसद शहर और गांव में तरक्की के प्लान बनाना, उनको तरजीह करना होगा। हुकूमत ने अपना किरदार बखूबी से निभाया। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि ईमानदारी से हर एक शहरी वोट करे और अपना काबिलियत किरदार सरपंच, पंच और डीडीसी रिप्रेजेंटेटिव चुने।